भाई साहब ये देखो भाई पनीर, पनीर का साइज दिखा दें आपको, ये देखो एक बेर में पूरा मुंह खोलना पड़ेगा। आइटम तो काफ़ी सारे आइटम हैं, इतना आइटम है जितना आप शॉप खाएंगे नहीं आप लाए। आप बुर्बक ये देख लीजिए भैया, क्या कमाल का रेस्टोरेंट है। आप देख रहे होंगे पीछे में हुगली नदी का नज़ारा, और यहाँ से खिड़की साइड से अपना रेस्टोरेंट में आराम से फूड को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक बार इसमें तो ट्राई करना बनता है भाई। लोको पायलट साहब हम आ रहे हैं, आप ट्रेन को रोक के रखिए। दादा केमन आछे, आप सभी का स्वागत है भैया आज के एक नए व्लॉग एक नए वीडियो में। मेरे पीछे देख रहे होंगे भाई, ये है हावड़ा का सबसे बड़ा सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन, और आज हम आए हैं भाई हावड़ा जंक्शन के बाहर, एक कमाल का रेस्टोरेंट है अपना रेल कोच रेस्टोरेंट, उसी रेस्टोरेंट को भाई रिव्यू करने, उस रेस्टोरेंट में भाई थोड़ा भोजन वगैरह करने, क्योंकि रिसेंटली अभी हमने कोल्डफील्ड एक्सप्रेस में जर्नी की और उस जर्नी से हम हावड़ा उतरे हैं और भैया लग चुकी है तगड़ी भूख। वही भूख को मिटाने के लिए भैया आज हम जा रहे हैं रेल कोच रेस्टोरेंट में, और ये कोच रेस्टोरेंट आती रेल कोच रेस्टोरेंट अपनी वंदे भारत जो ट्रेन चलती है ना, भारत की सबसे प्रीमियम ट्रेन, उसी की थीम पे इस रेस्टोरेंट को, इस रेल रेस्टोरेंट को भाई बनाया गया है। तो चलिए आज इसमें फूड का रिव्यू करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और देखते हैं हावड़ा के बाहर में जो अपना रेल कोच रेस्टोरेंट है वंदे भारत वाला वो कैसा है। यही है भैया वो रेल कोच रेस्टोरेंट, और इसका वो एंट्री गेट है भाई, यहाँ देख लीजिए। जैसा ही आप हावड़ा रेलवे स्टेशन से निकलिएगा, वो रहा अपना हावड़ा का मेन जंक्शन पॉइंट, और वो रहा भाई अपना हावड़ा ब्रिज, और थोड़ी दूर आगे आने के बाद यहीं पे भैया अपना जो है रेस्टोरेंट है, और ये देख लीजिए कितना कमाल का रेस्टोरेंट जो है बनाया गया है, और यहाँ बाहर में क्या कमाल के नज़ारे हैं। यहाँ पे देखिए घास वगैरह जो है किस तरह से एक तरह से पार्क के अंदर में भाई रेस्टोरेंट को बनाया गया है, क्या कमाल का वंदे भारत एक्सप्रेस की थीम पे जो है रेस्टोरेंट को डिज़ाइन किया गया है। और देख लीजिए सामने भैया अपनी हुगली नदी, और उसमें जो फेरी चल रही है, भाई साहब क्या कमाल के नज़ारे हैं भाई। ये देखिए, अरे बाप रे, कुर्सी वगैरह भी है यहाँ पे, आराम से आइए खाना वगैरह खा के थोड़ा चिल वगैरह कीजिए, पार्क में अगर सोना है आराम से सो जाइए, बाकी हमको सोना नहीं है, हमको जाना है खाना खाने, समझे। काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है, आराम से पार्क वगैरह में बैठेंगे, पहले चलिए खाना वगैरह खाते हैं रेल कोच रेस्टोरेंट। ये देख लीजिए भैया क्या कमाल का रेस्टोरेंट है, रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पे अपनी गाड़ी खड़ी है, और आगे से डिज़ाइन दिया गया है हावड़ा का लोकोमोटिव, मतलब हावड़ा का जो वंदे भारत होता है, अब हावड़ा से कौन सी वंदे भारत वो नहीं पता, लेकिन ये तो रेस्टोरेंट है ना भाई। और सामने देख लीजिए क्या कमाल का नज़ारा है ना, ये देखो भाई हुगली नदी का नज़ारा, क्या कमाल का रेस्टोरेंट है भाई। यहाँ से आप जो है इन्जॉय कर सकते हैं इस रिवर को, फेरी वगैरह चल रही है, अभी फेरी में भी चढ़ेंगे, और ये है भाई अपना रेल कोच रेस्टोरेंट, सामने अपना तिरंगा लहराते हुए। फटाफट चलते हैं भाई खाना वाना खाते हैं, भाई क्या कमाल का रेस्टोरेंट है, अभी भीतर में चलते हैं, मज़ा आएगा भाई साहब। लोको पायलट साहब हम आ रहे हैं, आप ट्रेन को रोक के रखिए। भाई साहब यहाँ पे सेलिब्रेशन वगैरह भी होते हैं, ये देख रहे हैं रिसेंटली किसी ने अपना हैप्पी बर्थडे मनाया है, मतलब यहाँ पे भी जो है सेलिब्रेशन वगैरह कर सकते हैं। क्या कमाल का रेस्टोरेंट है भाई, ये देखो भाई मेड इन इंडिया, ये है इसका एंट्री गेट, और यहाँ पे अपना फ्रूट वगैरह रखा हुआ है, और एंट्री गेट से चलते हैं अंदर भाई साहब। पुश, ये है कुछ रेस्टोरेंट, अभी कोई है भी नहीं यार। हाँ क्या भाई साहब, एकदम फील आ रहा है कि सच में वंदे भारत में बैठे हुए हैं, लेकिन वंदे भारत का जो है नदी कहाँ से देखने को मिल रही है वो समझ में नहीं आ रहा। आप देख रहे होंगे पीछे में हुगली नदी का नज़ारा, और यहाँ से खिड़की साइड से अपना रेस्टोरेंट में आराम से फूड को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी दिक्कत की बात यही हो गई है कि अभी खाने में जो है रेस्टोरेंट खुला ही है, लगभग कितने बजे खुलता है ये रेस्टोरेंट? 11 बजे खुल जाता है, लेकिन रेडी हम लोगों का तो डेली का डेली रेडी होता है ना, इसलिए टाइम लगता है। अच्छा, मतलब 11 बजे का टाइम है, इसीलिए अभी देखिए 11:20 ही हो रहे हैं, तो उतना अभी खाने में आइटम नहीं है, बस नूडल्स हो गए, मंचूरियन हो गए, वही सब आइटम है। तो देखते हैं क्या मिलता है हमको खाने के लिए। बाकी हमारे दोस्त लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ा हाय हेलो कर दो भाई। हाय, थोड़ा बाय बाय भी कर दो दादा। बात करें भाई अगर रेस्टोरेंट की, तो भाई एसी वगैरह लगे हुए हैं, और सीट भी काफ़ी अच्छा है, सोफे टाइप का जो है सीट है, ये देख लीजिए, बैठिएगा तो एकदम गदगद महसूस होगा। कमाल का रेस्टोरेंट है भाई, छोटा सा ही है, लेकिन काफ़ी अपने फैमिली के साथ, अपनी बाबू सोना के साथ, मतलब किसी के साथ भी आके आराम से इस रेस्टोरेंट में, रेल कोच रेस्टोरेंट में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे अपना पेंटिंग वगैरह में कोलकाता का स्ट्रक्चर दिखाया गया है,
कोलकाता का हिस्ट्री वगैरह ये देख लीजिए, काफ़ी सारे ऐसे खूबसूरत रेस्टोरेंट है भाई साहब। ये अपनी दो प्लेट लेने से राइस भाई, ये है इसका मेन्यू कार्ड, ये देखो भाई आइटम तो काफ़ी सारे आइटम है, इतना आइटम है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये देख लीजिए सब थोड़ा कॉस्टली है बट फिर भी काफ़ी अच्छा है भाई, कॉस्टली रहेगा तब ना खाने का स्वाद भी आएगा। ये देखो काफ़ी सारे आइटम है, ये वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं भाई। ये देखो वैसे दोस्तों यहाँ पे खाने के साथ आपको पीने के भी आइटम मिल जाएंगे, मतलब कि वो सब नहीं, जूस वगैरह हो गए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गए। वहाँ पे देख लीजिए स्टॉल लगाया गया है, वहीं पे आपको जो है जूसेस वगैरह भी मिल जाएंगे। और अंदर में तो भाई अपना रेस्टोरेंट है ही, खाने पीने के चाइनीज़ से लेके साउथ इंडियन जो भी इंडियन बोलते हैं सारा खाना यहाँ पे मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। तो अगर जो भी फूड इंजॉय करना चाहते हैं भैया इंजॉय करिए, हमने तो ऑर्डर कर लिया है, बस आने में देरी है, आता है और उसके बाद हम थोड़ा फूड को खा के देखते हैं कैसा लगता है इस रेल कोच रेस्टोरेंट का भाई खाना। भाई ये अपने दोस्तों लोगों ने मंगाया है, क्या है भाई ये? फ्राइड राइस, फ्राइड राइस मंगाया है। और साथ में ये क्या है भाई? चिली पनीर, चिली पनीर और फ्राइड राइस हमने मंगाया है। और चलिए अभी टेस्ट करते हैं अपने इस फ्राइड राइस और चिली पनीर को, देखते हैं भाई कैसा है अपना इस रेल कोच रेस्टोरेंट का ये फ्राइड राइस और चिली पनीर। और भी कई सारे आइटम है लेकिन हमने यही दो चीज़ मंगाया है। और सामने से अपना व्यू नज़ारा ले रहे हैं हुगली रिवर का भाई साहब। ये देखो भाई पनीर गजब है, ये देखो गाढ़ा चिली पनीर और फ्राइड राइस। पनीर का साइज बता, इतना ताड़ा है ना, इतना बड़ा बड़ा पनीर दिया है भाई, पनीर का साइज गजब गजब। देखो ये पनीर का साइज है, टेस्ट करते हो शेयर करते हैं साथ में भाई। ये अपना रेलनीर भी है, बहुत अच्छा कमाल का है भाई खाना। तो भाई अगर रेटिंग बोले तो 5 स्टार में कितना रेटिंग दोगे इस खाने को बताओ? 4। देखा भाई भी जो 4 रेटिंग देगा मतलब इतना अच्छा कमाल रेटिंग। और भाई तुम कितना रेटिंग दोगे? 5 में 5। देखो 5 में 5 देगा भाई, और हम भी यही बोलना चाहेंगे भाई समझे, थोड़ा महंगा है बट खाना का क्वालिटी टेस्ट लाजवाब है भाई। भाई साहब पनीर का साइज दिखा दें आपको, ये देखो एक बेर में पूरा मुंह खोलना पड़ेगा ऐसे करके। सही है। ये अपना यहाँ पे बेसिन वगैरह है, बेसिन में थोड़ा हाथ वगैरह धो लीजिए, एकदम ऐसा फील आया कि 5 स्टार होटल में आए हैं भाई, कमाल का रेस्टोरेंट है। इधर आपको अगर टॉयलेट वगैरह लगी हो तो अंदर में टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, देख लीजिए भाई ट्रेन में जैसा होता है सेम टू सेम टॉयलेट वगैरह यहाँ पे भी दिया हुआ है, और तो टॉयलेट वगैरह कर सकते समझे। बाकी खाना पीना हमने खा लिया, ये रहा भाई अपना आज का रेस्टोरेंट जिस रेस्टोरेंट में हमने खाना पीना खाया था, का कमाल का रेस्टोरेंट है भाई साहब। भाई साहब अपना जो खाना था हमने फ्राइड राइस और चिली पनीर हमने खाया, इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा था खाना। और अब थोड़ा नींद वगैरह आ रहा है क्योंकि AC भी चल रहा है, काश ये ट्रेन होता तो इसी में सो जाते, सोफा तो लगा ही है क्या भाई, नींद आ रहा है ना? अरे थकल खाली है, लोग अगर बोल दे कि पीछा रस्सी जाकर सो जाओ तो आदमी सो जाएगा, जैसे ट्रेन में ट्रेन ही तो है, ट्रेन ही है लेकिन इसी तो चल रहा है ना, और जो थकान से हम लोग आ रहे हैं अभी उस हिसाब से हमें सोना ही है भाई साहब। से बात सही बोले, अभी निकलते हैं बाहर इसीलिए, लेकिन सो नहीं सकते हैं। अपना भाई ने जूस मंगाया है, क्या चीज का जूस मंगाया है? ऑरेंज जूस मंगाया है, देख रहे हैं ऑरेंज जूस। भाई साहब ये रहा आज का अपना बिल, टोटल जो बिल बना है 405 रुपये का, जिसमें से भाई ने जो है एक जूस मंगाया था स्वीट लेमन जूस 80 रुपये का, और हमने जो एक वाटर बॉटल हो गया इसका चार्ज हो गया, ये चिली पनीर का और ये वेज फ्राइड राइस। खाना पीना हमने खा लिया, आपने देखा ही जो कितना अच्छा भाई खाना था, खाना इतना लाजवाब था कि प्लेट को पूरा साफ कर गए, और लास्ट में 405 रुपये का भाई बिल बना।
सभी लोगों ने अपना खाना पीना खाया, इंजॉय किया इस रेल कोच रेस्टोरेंट में। yes. और लास्ट में वो क्या बोलते हैं, सौंफ खाए कि नहीं आप? नहीं, सबुर्वक सौंफ और मिश्री का इंजॉय करते हुए बाहर निकल गए। तो कुछ ऐसा था भाई अपना रेल कोच रेस्टोरेंट हावड़ा स्टेशन के बाहर का, समझे? बाकी आपको ये व्लॉग और ये फूड रिव्यू वाला वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइए। हम लोग इस कोच के आज के पहले रेस्टोरेंट पहले कस्टमर थे जिन्होंने अपना खाना पीना खाया, सभी दोस्तों ने। काफ़ी अच्छा लगा ये व्लॉग बना के हमको भी, और आपको कैसा लगा ये व्लॉग देख के हमको कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप फेसबुक पर देख रहे हैं भैया। तो आप लोग चाह रहे हैं कि अपनी फैमिली के साथ अपने परिवार के साथ यहाँ आना रेल कोच रेस्टोरेंट में, तो भैया आइए आप लोग और इस रेल कोच रेस्टोरेंट में आनंद लीजिए, अपना खाना बना खाइए। बाहर जो है हावड़ा स्टेशन के बाहर में ही ये रेल कोच रेस्टोरेंट है, नहीं तो अपना रेस्टोरेंट तो काफ़ी सारे हैं हावड़ा में, स्टेशन के अंदर भी है, IRCTC का भी है, लेकिन एक बार इसमें तो ट्राई करना बनता है भाई। कभी भी हावड़ा आए तो या फिर वेस्ट बंगाल आए तो भैया एक बार यहाँ पे ज़रूर खाइएगा, समझे? खाना पीना खा लिए दादा, अब हम लोग निकल रहे हैं सीधा बाहर और जा रहे हैं थोड़ा फेरी वगैरह की सवारी करेंगे गुरु। बाकी कुछ ऐसा था आज का वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा ये व्लॉग और जो भी कुछ हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।